Hey guys, I am Rishi Sengar. This is Hey Buddy Q&A Session 16, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे कमेंट्स के जो कि हमने YouTube से पिक करे. यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि कल मैंने Instagram पर स्टोरी अपलोड करी थी, बट उसमें कोई प्रॉब्लम आई और फर्स्ट पार्ट वहाँ पे अपलोड होना मिस हो गया, जिसमें टैब था, और सेकंड पार्ट अपलोड हो गया जो कि मैंने आज नोटिस करा. बट यहाँ पर Instagram से तो आज हम रिप्लाईज को पिक नहीं कर पाए, बट यहाँ पर सेकंड यहाँ पर बहुत अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के एंड में हम गिव अवे के विनर के बारे में भी बात करने वाले हैं. जैसे आज है 5th of January और जैसा मैंने आपसे बोला था कि 5th of January को आपको विनर देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो विनर है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे एंड में. जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी क्या है प्रॉब्लम्स, क्या है डाउट, और उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं. गाइस, फर्स्ट कमेंट आता है हमारे पास सांची क्रिएशन की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन 7 सेल्वेडी से बाय करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा. तो मैं आपको बता दूं, आईफोन 7 की ऑलरेडी मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूं, उसके रिव्यू के बारे में भी बात करी और आज तक उस स्मार्टफोन में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली. आईफोन 7 2020 में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा. जिस तरह से ये देख रहे होंगे, ये मेरे पास सेकेंडरी स्मार्टफोन है जो मेरा छोटा भाई चला रहा है. ये स्मार्टफोन भी बहुत बेहतर है, परफॉर्मेंस भी अच्छी देता होगा. अगर सेल्वेडी से बाय करते हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगी, कम प्राइस में आपके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास वरुण चौधरी जी की तरफ से, जो है बोलते हैं आईफोन 7 प्लस से 8 प्लस में अपग्रेड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा. तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आईफोन 7 प्लस से आप XR में अपग्रेड करें, 8 प्लस में आप अपग्रेड करते हैं तो ज्यादा आपके लिए चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे. बट अगर आप XR में अपग्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी. इसके साथ साथ बैटरी बैकअप तो अच्छा है ही, और जो ट्रेंडिंग डिजाइन है नॉच वाला वो भी आपके लिए आईफोन XR में देखने को मिल जाएगा. और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वो आईफोन XR 8 प्लस से बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट है. इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास वी दब्रमा लाइफ स्टाइल जी की तरफ से, जो है बोलते हैं आईफोन XR फ्लिपकार्ट से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अच्छा रहेगा या नहीं. और इसके साथ ये हमारे लिए नागालैंड से देखने को मिलता है कमेंट, तो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ जब पूरे देश से कमेंट आते हैं. तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आईफोन XR के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अमेजोन पर ट्राई कर सकते हैं. अमेजोन पर आईफोन XR की ज्यादा अच्छी डील देखने को मिलती है. जैसा कि मैंने देखा कि आईफोन XR 38,000 के अप्रोक्स भी देखने को मिला एक वक्त पर, और अगर आज कंपेयर करते हैं iPhone XR की प्राइस आपके लिए Amazon पर Flipkart से बहुत कम देखने को मिलती है, 1-2 हजार अभी भी कम देखने को मिल रही होगी. ठीक उसी तरह से आप अगर बाय करना चाहते हैं तो XR को आप Amazon पर चेक करते रहिए, वहां पे आपके लिए बेटर डील देखने को मिलेगी. Flipkart से भी आप बाय कर सकते हैं, वहां पर भी क्वालिटी अच्छी मिलेगी. बट अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो आईफोन XR की प्राइस मुझे Amazon पर ज्यादा अच्छी देखने को मिली Flipkart के कंपैरिजन में. इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास गाइस सनी गुप्ता जी की तरफ से, ये यह बोलते हैं कि वो अंडर वारंटी में अगर कोई स्मार्टफोन खराब हो जाता है और अगर एप्पल उसको रिप्लेस्ड करके देता है तो वो रिप्लेसमेंट में अगर रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट देता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं कि अगर उस स्मार्टफोन की कंडीशन बेटर है, रिफर्बिश्ड अगर कंपनी दे रही है तो वो एक बेटर डील हो सकती है. मैं एक और कमेंट को पिक करना चाहूंगा जो कि इसी से रिलेटेड है, वो आता है हमारे पास सत्यम सुमन जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं कि रिफर्बिश्ड का मतलब क्या होता है. तो दोनों कमेंट को हम मिक्स करते हैं, बताता हूं रिफर्बिश्ड क्या होता है. तो रिफर्बिश्ड ये होता है कि स्मार्टफोन मान लीजिए कोई खराब है, 2-4 महीने चला स्मार्टफोन कंपनियों के पास जाता है, उसमें क्या क्या कमी है. मान लीजिए उसका स्पीकर खराब है तो स्पीकर चेंज करके रिप्लेस करके उसको अच्छे से परफेक्ट डिवाइस बनाया जाता है. मतलब उसकी कोई भी कमी हो उसको फुलफिल किया जाता है, कोई भी स्मार्टफोन में डैमेज हो उसको अच्छे से सही किया जाता है, मतलब कि न्यू जैसा बनाया जाता है, तो उसको रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन बोलते हैं. बट जो थर्ड पार्टी कंपनी है वहां पर रिफर्बिश्ड का मतलब बहुत अलग है, वो 3-4 साल पुराने स्मार्टफोन को थोड़ा बहुत अच्छा बना के बेच देते हैं. तो अगर एप्पल रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन दे रहा है तो एप्पल का स्मार्टफोन बेटर होगा, जो कि जिस तरह से आपका स्मार्टफोन खराब हो गया है आपने वहां पे रिप्लेस कराने के लिए दिया होगा तो वो भी एक टाइम पे रिफर्बिश्ड के तौर पर ही बेचा जाएगा, क्योंकि आज वो खराब हो गया कल किसी बंदे को वो दोबारा से सही करके उसको सेल आउट कर सकते हैं. इसी तरह से सर्विस सेंटर पर जाते हैं वहां से रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन मिलता है, तो एक बार उसकी आप सारी चीज को चेक कर लीजिए, बैटरी हेल्थ उस डिवाइस की कैसी मिल रही है, कहीं वो स्मार्टफोन यूज तो नहीं है, डेमो पीस तो नहीं है, और उसके साथ साथ इंडियन वेरिएंट है. ये सारी चीजों को चेक करके आप स्मार्टफोन को आराम से ले सकते हैं अगर वो एप्पल के ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर से रिप्लेस्ड किया जा रहा है तो. इसके अलावा अगर थर्ड पार्टी पे बात करता हूं तो थर्ड पार्टी से आप न्यू स्मार्टफोन को ही रिप्लेसमेंट में ले. रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन आप एप्पल स्टोर से तो एक बार ले सकते हैं,
मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ, एक बार आप उसको चेक कर लें, उसके बाद आप चाहो तो इसे स्मार्टफोन को रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास गाइस बंसल गेमिंग की तरफ से, जो यह बोलते हैं आईफोन में किस तरह से वीडियो को ट्रिम करें, वीडियो को कैसे एडिट करें, कुछ इस तरह का इनका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप यूज में ले सकते हैं आई मूवीज ऐप को और काइनमास्टर ऐप को, ये दो ऐप आप यूज में ले सकते हैं, जिसमें आप आराम से कट भी कर सकते हो, वीडियो को कंप्रेस भी कर सकते हैं, आप आराम से इन ऐप्स को यूज करें। और अगर आपको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो यूट्यूब पर आपके लिए इनके ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन दोनों ऐप को यूज में लेकर आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद आप यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट आता है हमारे पास एक्सप्लोरिंग लाइफ की तरफ से, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यूट्यूब मेरा दिन भर का जॉब है, तो मैं यहाँ पर यह बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा मैं पापा जी के भी बहुत सारे काम करता हूँ। और उसके अलावा अगर बात करूं तो मैं इस टाइम पर कॉलेज कर रहा हूँ, और यूट्यूब जो है वो पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम मैं करता रहता हूँ ऑनलाइन मार्केट में, जिसको हम एफिलिएट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। उसके अलावा वेबसाइट डेवलपिंग वगैरह में भी एक दो वेबसाइट पर भी काम कर रहा हूँ। तो यूट्यूब को हम पार्ट टाइम ले सकते हैं, बट यहाँ भी टाइम दे रहा हूँ। इसी तरह से बहुत सारे मार्केट हैं जहाँ पर टाइम दे रहा हूँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट रिप्लाई यहाँ पर आता है इंस्टाग्राम से, एक जो मैंने कल स्टोरी अपलोड करी थी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाफ स्टोरी अपलोड हो गई थी वहां पर, तो उसी तरह से इस स्टोरी में यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई किया है कि आईफोन एक्सेस इन्होंने बाय किया है मेरे रिकमेंडेशन पर, जिस तरह से मैं वीडियो बनाता हूँ। ये एक एंड्रॉइड यूजर है, बट इन्होंने आईफोन को बाय करने की सोचा और सेलवेडी से बाय किया है, बट वहां पर उन्होंने बताया कि डेमो पीस है आईफोन एक्सेस मैक्स। तो डेमो पीस ये होता है कि उस तरह से वो उनको यूज में ले रहे होंगे, मतलब कि वो स्मार्टफोन उनके यहाँ पर ऑलरेडी रखा है, जैसे कि लोग बाग आते हैं स्मार्टफोन देखते हैं कि स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस क्या है, तो उस तरह का डेमो पीस हो सकता है। वो डेमो पीस या तो प्रमोशन में दिया जाता है लोगों के लिए, तो वो उस तरह का स्मार्टफोन आपके लिए सेल आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है इस तरह का। एक दो स्मार्टफोन मुझे भी देखने को मिले जो डेमो पीस थे, उनमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पर हाँ थोड़ी सी बैटरी हेल्थ में कमी मिल सकती है, 92-95% के अप्रोक्स देखने को मिल सकती है, बट यहाँ पर स्मार्टफोन की कंडीशन आपके लिए बेटर देखने को मिलेगी और आपके लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी। ये थे कुछ कमेंट्स जो कि आज हमने यूट्यूब से पिक करे, और एक यहाँ पर रिप्लाई हमने इंस्टाग्राम से भी पिक करने की कोशिश करी है। इसके अलावा बात करते हैं गिव अवे के बारे में, तो गिव अवे में यहाँ पर 5th of January है, तो आज हमने गिव अवे का विनर भी पिक कर लिया है, जिसमें यहाँ पर महादेव भक्त नेम की यूट्यूब आईडी है, जिस पर मेरे पास उनका जीमेल भी आ गया, और इंस्टाग्राम की इनकी एक एंट्री थी, उस एंट्री की वजह से ये गिव अवे के विनर हैं। जैसा कि आप रिजल्ट अगर चाहें तो नीचे दी गई लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। इनको मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी है, मैंने इनको मेल भी किया है, अदरवाइज इनका अगर मेल आता है हम बात करें तो 8th of January तक अगर ये रिप्लाई दे देते हैं तो मैं इनकी राय ले लूंगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं, और फिर मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। और अगर इन्होंने 8th of January तक मुझे रिप्लाई नहीं किया तो हम गिव अवे का विनर दोबारा से पिक करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका नेम आता है। बट अभी देखते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे महादेव भक्त जी की, जो ये आईडी है इसका जेन्युइन नेम बताइए, आईडी प्रूफ मुझे शेयर करिए और मुझे सारी चीज बताइए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको मेल किया है, आप पर रिप्लाई दे सकते हो, मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें इंस्टाग्राम पर, जिससे मैं आपके प्राइस को सिलेक्ट कर सकूं। अदरवाइज आप 3 दिन तक अगर मुझे कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं तो मैं इस गिव अवे का विनर को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और दूसरे विनर को हम यहाँ पर पिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसके साथ साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर आपके लिए बहुत सारी एप्पल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में।